लेडी आने वो सड़ रही है बी ब्लॉक के एरिए फिर तुरंत असं मौके पर पहुंचे पहलों मेरा आगे देखा चौकी जान ने वो सड़ रही थी लड़ी वो तुरंत फिर जी अग सी बुझाई गई है तो वो अद्धा क सड़ चुकी है नहीं हाले तक तो नहीं पहचान हुई यदि बाकी असं सारे एफर्ट्स करा पहचान करने के अज सवेरे उस वेले हड़कंप मच गया जदों एक महिला की सड़दी हुई लाश बरामद हुई है। महिला के नेड़े पेट्रोल की बोतल भी पई हुई सी। महिला की पहचान हुण तक नहीं हो सकी है। फिलहाल पुलिस ने मौके पर पहुंच के लाश नू कब्जे विच लै लिया। पूरी घटना अमृतसर के रेलवे कलोनी बी ब्लॉक के खाली एरिया का दस्या जा रहा है जिथे राहगीरां ने इस लाश नू सड़दे हुए वेख्या। दस्या जा रहा है कि लाश नंग अवस्था में सी उते ही अद्धी सड़ चुकी सी। फिलहाल उसके कोल पेट्रोल की बोतल भी पई सी। यह किस वालों रखी गई है इसका कोई भी हले कुछ पता नहीं चल सकया। राहगीरां के मुताबिक यह तकरीबन सवेरे 8 बजे की घटना होगी क्योंकि सवेरे 7 बजे इस थां उते कुछ भी नहीं सी। उस तो बाद दी ही एक घटना है। फिलहाल राहगीरां ने पुलिस नूं सूचना दी है। पुलिस मौके पर पहुंच के इस पूरे मामले की जांच कर रही है। ये सानू तलाह मिली सी भी कोई लेडी आ उन्हें वो सड़ रही है बी ब्लॉक के एरिए फिर तुरंत असं मौके पर पहुंचे पहलों मेरा चौकी जाज पहुंचा मैं भी मौके पर पहुंच गया एस एच ओ साढ़े पहुँच गए ने तो आके देखा चौकी जाज ने भी वो सड़ रही थी लड़ी वो तुरंत फिर जी अग सी बुझाई गई है तो वो अद्धा क सड़ चुकी है बाकी उन्होंने अं पोस्टमार्टम करावे आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं वो प्रॉपर फोरेंसिक जांच होगी तो बाद जी अगली कार्रवाई इन्वेस्टिगेशन होगी नहीं हाले तक तो नहीं पहचान हुई यदि बाकी असं सारे एफर्ट्स करा पहचान करने के असी इस जो मौजूद ने मौके पर इन्होंने सारे को पूछा लेकिन हाले तक किसी कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं गी बाकी असी सारे ढंग टैक्निकली भी सीसीटीवी कैमरे भी देखा और अपने थाने तो देखा कोई मिसिंग रिपोर्ट हुई हो किसी घरों कोई लेडी हो सकता लटके भी गई होंगी कोई ये करीब करीब सानू 8 बजे तो बाद वाकया है नहीं हाले के बारे आप कुछ नहीं कह सकते तो पता लगेगा ना जो प्रॉपर इन्वेस्टिगेट हो जाएगा मामला यस यस पोस्टमार्टम कराया जाएगा रस्ता बंद करता है देखो ये रेलवे की प्रॉपर्टी है उन्होंने बंद की बारे मैं कमेंट नहीं कर सकता पुलिस के मुताबिक उन्होंने सूचना मिली सी ते उसके बाद वो मौके पर पहुंचे ने। महिला की उम्र जड़ी है वह लगभग 40 से 45 साल के विच दसी जा रही है पर उसकी पहचान नहीं हो सकी है। फोरेंसिक जांच के आधार उत्ते मामले की जांच की जा रही है ते नाल दे नाल सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले जा रहे हैं। हुण वेखना है कि महिला ने खुद नूं अग लगाई है या फिर कतल तो बाद महिला नूं अग लगा दी गई है ताकि उसकी पहचान ना हो सके। अमृतसर तो गुरिंदर सागर की रिपोर्ट अमृतसर केसरी।